नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आईएसआई आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में 21 मई को आईपीएल का क्वालिफायर एक मैच खेला जाना है। इससे पहले 6 मई को अहमदाबाद में 36 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। राजस्थान में शाहपुरा जिला के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंग रेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने पिछले साल अगस्त में नाबालिग लड़की से रेप किया, फिर उसे कोयले की भट्टी में डाल दिया। फॉरेंसिक टीम ने करीब 300 किलोग्राम की राख छानने के बाद 6 घंटे तक हड्डियों को ढूंढकर बाहर निकाला था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली रिपोर्ट को ICMR ने भ्रामक और गलत बताया है। ICMR ने कहा, हमने इसके लिए कोई मदद नहीं दी है। दरअसल 16 मई को आई रिपोर्ट में कोवैक्सीन से सांस लेने में दिक्कत और स्किन इन्फेक्शन के दावे किए गए थे और ICMR का हवाला दिया गया था। पुणे में पोर्श कार से बाइक सवार युवक युवती को रौंदने वाले नाबालिग को कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपी पुणे के प्रसिद्ध बिल्डर का बेटा है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए येरवड़ा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत के लिए इलाज कराना होगा और काउंसलिंग करानी होगी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी उड़ीसा के दौरे पर हैं। उन्होंने डेकनाल और कटक में जनसभाएं की। पीएम ने कटक में कहा, उड़ीसा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। रैली से पहले मोदी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और रोड शो किया। यहाँ 25 मई को वोटिंग होगी। IPL में इस बार सभी 4 प्लेऑफ मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया है। बारिश की स्थिति में अगर एक्स्ट्रा 2 घंटे में भी मैच पूरा नहीं हो पाता है तो इसे रिजर्व डे में खेला जाएगा। रिजर्व डे पर मैच पूरे नए सिरे से खेला जाएगा ताकि दोनों टीमों को बराबरी का मौका मिले। अगर प्लेऑफ के मैच रिजर्व डे में भी नहीं पूरे होते हैं तो विजेता पॉइंट्स टेबल के आधार पर तय होगा। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड लगातार 38 घंटे तक जारी रही। इनके पास से करीब 100 करोड़ रुपए का कैश बरामद होने का अनुमान है। तीनों के करीब 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अलमारी, बैट, सूटकेस, तकिए और गद्दों में नोट भरे थे। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गईं, कुछ देर के लिए उन्हें बंद करना पड़ा। नोट गिनने के लिए SBI कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाना पड़ा। ईरान के 8वें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने थे। साल 1988 में ईरान के तत्कालीन डिप्टी CM लीडर आयतुल्ला हुसैन अली मुंतजरी ने कहा था, ईरान में 5000 राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दिया जाना इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्म है। ईरान की डेथ कमेटी ने यह फैसला 1988 में दिया था। कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इब्राहिम रईसी थे। 2019 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, TMC ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल UP की रायबरेली सीट जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई, 7 घायल हैं, सभी आदिवासी हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहापानी गांव के पास हुआ है। पिकअप में 25 से ज्यादा लोग सवार थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया,
दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।